हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग यहाँ पर ठीक है। अपना बताइए, आप लोग कैसे हैं? और देखिए, यहाँ पर ये वीडियो है, मतलब दोपहर का समय हो रहा है, 2 बजकर मतलब कुछ मिनट होता होगा। तो भी क्या ये वीडियो है दोपहर में के समय। हम चावल ले लिए हैं और बना रहे हैं चावल फिर, क्योंकि चावल हम इकट्ठा बना करके रख देते हैं। गांव देहात में ये नहीं होता है कि चावल, घर का चावल खाते हैं हम लोग। तो देखिए, चावल ख़त्म हो गया है 10-15 दिन के, 8-9 दिन का दिन चावल बना करके रख देते हैं ढाबा में या तसला उसला में। तो वहीं चावल बना रहे हैं, चावल बना कर रखे थे तो ख़त्म हो गया, तो फिर चावल अब बना दे रहे हैं, बना करके रख दे रहे हैं, ताकि मतलब खाना बनाने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो वहीं चावल बना कर रख देते हैं। और फिर आप लोग को अपने चैनल में स्वागत है। और फिर वीडियो में बना रहिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, फिर छोड़ कर मत भागिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड, समय हो रहा है, मतलब भोर है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, और हम वीडियो एडिट किए, 2:30 बज के जागे थे, वीडियो एडिट किए और वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, वॉइस मतलब वीडियो एडिट करते करते 3:30 बज गया। तो अब देखिए, 4 बज ही जाएगा हमको ये सब करते करते। और देखिए, यहाँ पर ये दूसरा दिन का वीडियो है, ये शाम हो गया है, तो खाना देना मतलब 5 बज गया है। वो सब रख दिए हैं, चावल और बना कर रख दिए हैं। अब इधर देखिए, खाना वाना बनाने बना रहे हैं, तो यही बना रहे हैं, चाव मतलब रोटी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि शाम का समय में रोटी सब्जी ज़्यादा बनता है। हाँ, गांव देहात में चावल भी जिसको खाना है बन जाता है, लेकिन चावल हम हमारे घर में शाम के समय नहीं कोई खाते हैं। तो यहीं देखिए, चावल अरे रोटी सब्जी बना लेते हैं। देखिए, आटा ले लिए हैं डबरा में, और जल ले लें उसको गूथ लेते हैं, मतलब मार लेते हैं। इसके बाद फिर अब रोटी बनाएंगे, फिर तब सब्जी कट उट करके तब रोटी बनाएंगे। तो देखिए, आटा यहाँ पर गूथ लेते हैं। और फिर देखिए, एक हाउस वाइफ का मतलब सुबह का 3 बजे जगना, 2 बजे जगना, जा करके काम धंधा ये सब करना, ये करना, जा करके जल्दी, इसके बाद फिर खाना बनाना, वो करना, ये करना, यही तो एक हाउस वाइफ का काम है, लगा रहता है। फिर इसी तरह कब शाम, कब सुबह से जगते जगे हुए, कब शाम हो जाता है, कब सुबह हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और देखिए, यहाँ पर आटा उटा गुथा गया, अब आटा को गूँथ लिए हैं, रख देते हैं। इसके बाद आप चलते हैं सब्जी काटने फ्रेंड, और सब्जी उब्जी कर करके तब बनाएंगे खाना। देखिए, आलू ले लिए हैं यहाँ पर, और यह है बरू, बरू है। इसके बाद अब सब्जी बनाएंगे, बरू आलू के सब्जी बनाएंगे, क्योंकि खेत में क्या ये बरू है, ना ही खेत में क्या बरू है। तो वही देखिए, सब्जी अब कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और तब फिर हम आप लोग से मिलते हैं फ्रेंड शाम। मतलब अब ये देखिए, काम धंधा करते करते बज गए जाएगा, 8-9-10 बज जाएगा। खाना वाना बनाना, माजना धोना, बहारना झाड़ना। इसके बाद 10 बज, रात के 10 बज जाएगा, तब सोएंगे हम सब, बाबू लोग सो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसके बाद साफ सफाई, माजना धोना, ये सब करके इसके बाद सोएंगे हम लोग। और देखिए, बेटी उधर बैठी हुई है, कुछ कह रही है, तो उन्हीं के हम कुछ कह रहे हैं, तो वो भी थोड़ा नटखटी हो गई है, परेशान करके रख देती है। छोटी वाली जो बेटी है ना, बहुत ही हो गई है, तो वही कुछ कह रहे हैं, तो उनको कुछ हम कह रहे हैं। तो देखिए, आकर के यहाँ पर बैठ भी गई है, आ कह रही कि माँ जल्दी जल्दी रोटी बनाओ हमको, हम खाएंगे, हम अपने हाथ से बनाएंगे। बोले कि हम अपने हाथ से बनाएंगे अपने के लिए लिए रोटी। तो देखिए, इनका क्या करती है यहाँ पर, ये बहुत ये हो गई है। तो वहीं अब देखिए, कढ़ाई रख दिए हैं, उधर तवा रख दिए हैं, इसके बाद अब बनाएंगे रोटी जल्दी। सब्जी कट कर, कढ़ाई उधर दिख रहा है, तो इधर हम सब्जी जल्दी कट कर रहे हैं,
तराई मतलब वो दिखेगा, इसके बाद सब्जी कट। और देखिए यहाँ पर सब्जी कट भी कर दिए हैं। अब डालेंगे कढ़ाई में तेल और छौंक देंगे फोरन डालकर, जीरा उरा तेज पत्ता उत्ता पचफोरन डाल करके, इसके बाद अब छौंकेंगे इसको। देखिए यहाँ पर तेल डाल दे रहे हैं, इसको फोरन डाल देंगे। और ये देखिए भजन गा रही है, यहाँ पर बैठ करके भजन इनका चालू है लगता है, लेकिन हम म्यूट कर दिए हैं आवाज़, नहीं तो ये बहुत कुछ बोलती है इसलिए म्यूट कर दिए हैं आवाज़। तो देखिए यहाँ पर ले लिए हैं मसाला, इसमें डाल लेंगे हल्दी, बुका हुआ मिर्चा, चट मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे, भूखेंगे नहीं मसाला, क्योंकि सिलवटा लेट हो गया है फिर, तो अब सिलवटा पर मसाला नहीं भूखेंगे, यही पिसा हुआ मसाला है तो यही सब डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मर्चा डालने, मर्चा डालते वक्त इतना ये पड़कता है ना, तो नहीं वहाँ से नहीं हटने पर मुँह पर आकर पड़क जाएगा, तो इसीलिए मर्चा जब डालते हैं तो हम बहुत दूर रहते हैं कि इधर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाल दिए हैं सब्जी, और धीमा आँच कर देंगे, अब धीमे धीमे भुजाते रहेगा, इधर रोटी बनाएंगे। देखिए रोटी ये अपने लिए बना रही है, देख लीजिए ये अपने लिए बना रही है, बोले कि हाँ हम अपने लिए बना लेंगे। देखिए इनका क्या कह रही है, कुछ कह रही है। तो फिर देखिए, और फिर देखिए जल्दी जल्दी यहीं पर बना लेते हैं रोटी। और फिर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन ज़िंदगी एक बार नहीं मिलती है, बार बार मिलती है। फिर मौत एक बार मिलती है, कहें से कि ज़िंदगी तो बार बार मिलती है, क्योंकि रात को समय में जब हम सोते हैं तो मौत की तरह मतलब ज़िंदगी ही ना है, वो सोते हैं फिर एकदम लगता है कि एकदम कहाँ कहाँ से हम घूम करके सोने के बाद फिर आ जाते हैं, सुबह जग जाते हैं, जब नींद टूटता है तो पता चलता है कि फिर हमारा दोबारा ज़िंदगी मिल गया। तो वही बात है फ्रेंड, ज़िंदगी बार बार मिलती है, लेकिन अब एक ही है कि मौत एक बार मिलता है। तो यही फ्रेंड देखिए यहाँ पर रात में सोने के बाद फ्रेंड हम कहाँ कहाँ से घूम आते हैं, क्या क्या नींद लगने के बाद क्या क्या हम देखते हैं, कहाँ कहाँ से घूम करके फिर आ जाते हैं, नींद तो मतलब जगते हैं तो फिर पता चलता है कि फिर हमारा ज़िंदगी दोबारा मिल गया, हम जग गए। तो यहीं देखिए फ्रेंड सब्जी भी बन गया, और बेटी का भी खाना उसका रोटी बना करके दे दिए, और इधर नमक वमक डाल। और देखिए हम रोटी बनाए हैं, क्योंकि हम रोटी इसी तरह बनाते हैं फिर तवे पर ही फुला लेते हैं, ज़्यादा मेरा गैस ख़त्म होता होगा तवा पर फुलाने में रोटी, और थोड़ा यही लगता है क्योंकि गैस पर फुला तो रोटी तो अच्छा रहता है, लेकिन सूठा नहीं है इसीलिए चूल्हा इसे तवे पर फुला देते हैं। और देखिए फिर यहाँ पर बेटी खा रही है रोटी, और इनका देखिए क्या चल रहा है, और देखिए इनका यही तो है, साथ में रहेगी तो ये करेगी वो करेगी, इनका धूम धड़ाका लगता रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पर ये दूसरा दिन का वीडियो है, खाना पीना बन गया है, 10 बजे के रात में के वीडियो है, खाना पीना बनाकर खिया हुआ के बाबू और को सुला उला करके एकदम बर्तन उतन तो माँज के रख देते हैं। फिर पहले तो बर्तन हम धो माँज देते हैं, इसके बाद फिर हम गैस उस के साफ सफाई करते हैं। देखिए बर्तन धो माँज दिए हैं, इसके बाद गैस साफ कर रहे हैं, देखिए जल्दी गैस उस साफ कर लेते हैं, इसके बाद फिर अब झाड़ू उड़ू लगा करके तब तो अब साफ सफाई कर करके अब जाएंगे सोने के लिए, अब पढ़ाई भी करेंगे थोड़ा बहुत, इसके बाद बाबलू को मिसेंगे, इसके बाद सोएंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, चलते हैं।